बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूं जो है चेज वैल्यू करंगी की। ये बिल्कुल न्यू ब्रांच खुली है, 3 दिसंबर को इसकी ओपनिंग हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक नई जगह की वीडियो बनाई जाए जो जिसकी ओपनिंग अभी रिसेंटली ही हुई है। बहुत खूबसूरत ये शॉपिंग मॉल बनाया गया है। इनका हेड ऑफिस तो स्टार्ट से ही करंगी में है, लेकिन चेज़ वैल्यू सेंटर इन्होंने अभी बनाया है। दुबई तर्ज पे ये मॉल बनाया गया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। इसके अलावा यहाँ पे अभी स्टार्ट है तो रश भी बेतहाशा था। आप लोग भी ज़रूर यहाँ का विज़िट कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। यहाँ मैं सबसे पहले क्लच वाले सेक्शन में आई थी, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के क्लचेस थे, फैंसी क्लचेस थे ये सारे, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, और इनके प्राइसेस भी साथ में शो हो रहे हैं। ये सब ब्राइडल क्लचेस थे। ये इन्होंने कुछ मैन पर्सेस भी रखे हुए थे, तो आप लोग देख सकते हैं। मैन की भी कलेक्शन थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी कलेक्शन थी मैन की। यहाँ से फिर इनके बैग्स स्टार्ट हो गए थे, बैग्स की प्राइसेस भी साथ में मेंशन हैं। अच्छा, कुछ बैग्स जो हैं वो सिंगल में थे और कुछ बैग्स के जो हैं वो कलर्स भी थे। जैसे ये आप देख रहे हैं ब्लू वाला, इसके एक मस्टर्ड कलर था, एक ब्लैक कलर था, एक ये रेडिश मरून टाइप का कलर था, एक फॉन कलर था, डिफरेंट कलर्स थे इनके। तो इस तरह से थे बैग्स, कुछ जो हैं वो सिंगल थे, कुछ में 2 कलर थे और कुछ में 4 और 5 कलर भी थे। तो सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, प्राइस भी साथ में मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हैं इजीली वीडियो में। अब यहाँ से जो है वो छोटे पाउचेस और क्लचेस वगैरह जो हैं स्टार्ट हो गए हैं कैजुअल यूज़ के, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं इजीली। सबके प्राइसेस भी साथ में मेंशन हैं और हर तरह के रेंज में थे, कम में भी थे और ज़्यादा में भी थे। इससे पहले जो आप देख रहे थे वो 399 का था, ये 599 के थे और इनमें भी कलर्स थे 4 से 5। ये 699 का है ब्लैक वाला, इसका भी एक ग्रे कलर है और एक पीछे ब्लू कलर भी है इसके भी, और 3-4 कलर थे। इसके अलावा ये वाला एक क्लच पाउच है, ये 599 का है और इससे इसके भी ये कलर हैं, एक ब्लू है, एक रेड है, एक ब्लैक है। ये वाला 499 का है, ये क्रॉस बॉडी बैग है, क्रॉस बॉडी बैग में भी कलर्स थे,
ये भी क्रॉस बॉडी बैग हैं, इनके प्राइस हैं 499, 500 रुपीज़ के हैं ये। इनमें भी 3-4 कलर्स थे। इन सारे कैजुअल क्लचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और हाथ में पकड़ने से पता चल रहा था कि मतलब क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे ये। ये जो अब आप देख रहे हैं क्यूट से पाउचेस, ये मेकअप पाउचेस थे और ये भी बहुत खूबसूरत थे और इनके प्राइसेस भी साथ में शो हो रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। अब ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये सारे ट्रेडिशनल थे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। ये 99 के थे और ये वाले 199 के थे। यहाँ से इनका मेकअप स्टार्ट हो गया था। मेकअप की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और सारी चीज़ें थी मेकअप की, बेसिस वगैरह भी थी, कॉम्पैक्ट पाउडर थे, नेल पेंट थे, लिपस्टिक्स थी, लिप ग्लॉस थे, आई शेडोज थे, ब्लश ऑन थे, मस्कारा लाइनर थे, इसके अलावा हाइलाइटर्स थे। मेकअप की तमाम चीज़ें ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये इनकी जो सेल्स गर्ल हैं वो चीज़ें दिखा रही थी, उन्होंने बहुत ही क्यूट से ये ब्रश सेट दिखाया था, बहुत ही क्यूट सा था और इसकी प्राइस भी साथ में मेंशन है। ये फिर उन्होंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर शो किया था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर ये आई शेडो शो किए थे, ये भी बहुत अच्छे थे, 400 रुपीज़ के थे। लिपस्टिक्स भी अच्छी थी इनके पास, ये इन्होंने एक बताई थी लिपस्टिक, ये 300 रुपीज़ की थी, इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे। और ये एक ये दिखा रही थी, ये 200 रुपीज़ की थी, ये भी बहुत अच्छी थी लिपस्टिक। इसके अलावा लिप ग्लोज थे इनके पास, लिप ग्लोज भी ये शो कर रही हैं, इसके प्राइस 300 रुपीज़ थे। यहाँ फिर मैं ये परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेस के सेक्शन में आ गई थी, तो यहाँ पे सारे बॉडी स्प्रे लगे हुए थे, तो ये आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से बॉडी स्प्रेज हैं, सबके नाम भी शो हो रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने इनके प्राइस टैग नहीं लगाए हुए थे, प्राइस इनके मेंशन नहीं थे, तो चूँकि अभी ये स्टार्ट है इनका, तो थोड़ी बहुत चीज़ों के इन्होंने प्राइस शो नहीं किए हुए थे। तो ये जब आपने परचेज़ करना हो तो फिर आप जाकर और पूछ सकते हैं और फिर परचेज़ कर सकते हैं।
ये सेक्शन बच्चों का स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे जो है वो बच्चों के सारे टॉयस रखे हुए थे, ये गिटार थे, काफ़ी सारे कलर्स में थे और स्टाइल में और डिज़ाइन में। इनका मैंने करीब से प्राइस भी कैप्चर किए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए 2375 का था, 2375 रुपये का ये गिटार था। और इसके अलावा और भी बेतहाशा टॉयज थे, ये बेबी गर्ल्स के हवाले से था, ये 1025 का था, ये यूनिकॉर्न वाला टॉय था। काफ़ी ज़्यादा रेंज है इनके पास चीज़ों की, चाहे वो बच्चों के टॉयज़ हों या फिर बड़ों के कपड़े हों या फिर बच्चों के कपड़े हों या शूज़, सैंडल्स, स्लाइडर्स, इनकी रेंज हो। इसके अलावा बॉडी स्प्रेज़ और परफ्यूम्स हों और स्टेशनरी आइटम्स हों, तो मतलब हर चीज़ की इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी रेंज रखी है। तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें और देखें, फिर आपको आप लोगों को कुछ समझ में आए तो फिर ज़रूर ख़रीदिए भी, परचेज़ भी ज़रूर करें यहाँ से। यहाँ से सारे स्टफ़ टॉयस स्टार्ट हो गए थे, ये डिफरेंट बियर्स वगैरह थे जो बच्चे और बच्चियाँ बहुत पसंद करते हैं, ख़ासतौर पर बेबी गर्ल्स को बहुत पसंद आते हैं इस तरह के बियर्स। तो ये इनके मैं प्राइस भी साथ में शो कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये भी बियर हैं, बहुत प्यारे प्यारे से बियर थे, ये बेबी बॉय के हवाले से हैं बियर्स और बेबी गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा ये कैटीज़ भी थी, किटी कैट भी थी। इसके अलावा ये एक टाइगर था, ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था इन्होंने, बहुत अच्छा था। और इसके 7000 समथिंग प्राइस थे। और एलिफेंट भी था, ये बच्चों के जो छोटे बच्चे जब बैठना सीखते हैं तो उनके लिए था ये एक सीटर, ये भी बहुत प्यारे बने हुए थे। और फिर यहाँ पे दोबारा से ये जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं बच्चियों के गिफ्ट सेट होते हैं वो हैं, तो ये भी देखिए आप लोग। ये फिर बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, पेंसिल बॉक्स वगैरह, ये बेबी बॉयज़ के कैरेक्टर हैं और ये भी बेबी बॉय का ही कैरेक्टर है। और फिर ये कुछ बेबी गर्ल्स के फिर इसके बाद स्टार्ट हो गए थे। ये सब स्टेशनरी की चीज़ें हैं बच्चों के की और बच्चियों की। ये कार वाला कैरेक्टर है, ये भी बेबी बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का स्टार्ट हो गया फ्रोज़न में। और ये बहुत खूबसूरत थे सेट, और ये आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं और गिफ्ट वगैरह करने के लिए भी दे सकते हैं। ये स्टेशनरी सेट था, ये भी ये सब डिफरेंट तरह की जो है और डिफरेंट कैरेक्टर्स में, कार्टून कैरेक्टर्स में स्टेशनरी हैं।
न्यू बॉर्न बच्चों की वैरायटी स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। इनके पास सारा सामान था न्यू बॉर्न का, कपड़ों से रिलेटेड बूटीज थी छोटी छोटी, और ये सब बिब्स के डिज़ाइन हैं और कलर्स वगैरह हैं। इसके अलावा मिटन्स थे इनके पास छोटे छोटे से, और कैप्स थे बच्चों के, सॉक्स थे और बूटीज थी। इसके अलावा कपड़े थे, ये देखें ये कलरफुल से बिब्स हैं, येलो कलर, ब्लू कलर, ये रेड एंड वाइट कलर, बहुत प्यारे लग रहे थे ये, बहुत कलरफुल से थे। और ये फिर यहाँ से इनके कपड़े स्टार्ट हो गए हैं, ये न्यूबॉर्न का बच्चों का जो पूरा सेट होता है कपड़ों का रैपिंग शीट के साथ। ये बंडियाँ हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लग, बहुत कलरफुल सी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये एक और रैपिंग शीट के साथ कंप्लीट सेट है, इसमें बिब है और रैपिंग शीट है, ड्रेस है, मिटन्स हैं और कैप है, सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं, कंप्लीट सेट है ये। फिर ये यहाँ से जो है इनके रुमाल के सेट स्टार्ट हो गए थे, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। और ये देख लें लाइट कलर्स में भी हैं, ये फिर डार्क कलर में हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो लाइट कलर्स पसंद करते हैं बच्चों के लिए, कुछ लोग डार्क कलर्स पसंद करते हैं, तो इनके पास सारे ऑप्शंस और सारी चॉइसेस ही हैं। ये रैपिंग शीट्स हैं, ये एलिफेंट बना हुआ था इस पर, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी देखने में, और इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स थे। और ये सब रैपिंग शीट्स ही हैं जो आप लोग अभी देख रहे हैं। ये फिर बंडियाँ हैं जो बच्चों को कपड़ों के अंदर पहनाई जाती हैं, ये पैकिंग वाली चड्डी है छोटे बच्चों की, और फिर ये चेंजिंग शीट्स वगैरह हैं, ये भी इनके पास अवेलेबल थी न्यू बॉर्न के तमाम आइटम्स में, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड थी। यहाँ फिर मैं इस तरफ इस सेक्शन में आ गई थी शूज़ वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ये फुटवेयर है और डिफरेंट तरह के थे इसमें, बिल्कुल बंद भी थे और ये खूसा स्टाइल में भी थे फुटवेयर। तो इन सब के प्राइसेस भी, जिनके प्राइस टैग लगे हुए थे वो मैंने शो कर दिए हैं। तो वैसे ये कि ये 699 से और 1000 और 1000 समथिंग की रेंज तक थे। यहाँ से फिर इनके ये शूज़ स्टार्ट हो गए थे, ये विंटर में आप लोग पहन सकते हैं इजीली, ये फुल बंद भी नहीं है और खुले हुए ओपन में नहीं है, ये विंटर में आप लोग पहन सकते हैं। और जो ये वाले शूज़ हैं ये कोट शूज़ हैं, तो ये तो विंटर में बहुत ही अच्छे रहते हैं और कवर रखते हैं आपके पाँवों को। फिर यहाँ से इनके ये स्लाइडर्स स्टार्ट हो गए थे, ये 1250 में थे सारे स्लाइडर्स, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत कलरफुल से थे और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी।
ये ओवरकोट से स्टार्ट हो गए थे, ये भी बहुत खूबसूरत थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइसेस इनके साथ में मेंशन है, ये फुल ओवरकोट हैं जो पूरे फुट तक आएंगे। ये इनकी पैंट्स की कलेक्शन स्टार्ट हो गई थी, इनमें जीन्स थी ये सब ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, इनके साथ में प्राइस भी मेंशन है और साइज़ वग़ैरह भी इनमें अवेलेबल थे। ये इनकी कुछ मल्टी कलर में कलेक्शन है जीन्स की, तो ये भी आप लोग देखिएगा ज़रूर। इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे और काफ़ी सारी चॉइसेस थी, ये सब लेडीज़ पैंट्स हैं। यहाँ से इनके ट्राउज़र्स स्टार्ट हो रहे थे, ये बेल बॉटम वाले ट्राउज़र्स जो आजकल फैशन में इन हैं, बड़े बड़े पाइचों वाले, ये सब इनके ट्राउज़र्स की रेंज थी और कलरफुल से थे बहुत, वाइट और ब्लैक कलर में भी थे, ब्लू में भी थे, सिंपल टाइट्स भी थे इसमें। और फिर यहाँ पे जो है ये इनकी कपड़ों की कलेक्शन स्टार्ट हो गई है, ये टू पीस प्रिंटेड सूट है, इसके भी प्राइस मैंने आपको शो किए होंगे, ये 1499 का है टू पीस सूट, और इसके अलावा भी थ्री पीस सूट भी थे। ये इनकी स्टिच सूट की कलेक्शन स्टार्ट हो गई है, तो ये टू पीस और थ्री पीस स्टिच सूट भी थे इनके पास। ये क्रॉकरी भी मुझे इनके पास नज़र आई थी, लेकिन क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा रेंज नहीं थी, बस ये प्लेट्स का थोड़ा सा कलेक्शन मुझे नज़र आया था, इसके अलावा जो सर्विंग डिशेस होती हैं वो थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी।
और बस यही कलेक्शन फ़िलहाल मुझे नज़र आया था। शायद ये आगे चल के और बढ़ाएं या फिर इनकी जगह वगैरह प्रॉपर बनाएं। फ़िलहाल तो सिर्फ यही कलेक्शन था क्रॉकरी में इनके पास। इसके अलावा ये डेकोरेशन आइटम्स भी थे इनके पास, तो ये भी मैंने अपनी वीडियो में कवर किए हैं। इसके साथ ही मैं लेती हूँ इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।